लव्य व्यवस्था अध्याय 22, लव्य व्यवस्था अध्याय 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से ये कहा कि इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे, मैं यहोवा हूं। और उनसे कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा, मैं यहोवा हूं। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो वा उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए, और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो वा जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, वा किसी ऐसे वस्तु को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ न खाए, तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो वह पशु से फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे, मैं यहोवा हूं। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करे, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए, मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। पराए कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पहुन हो व मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो वे भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा वा त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराए कुल का कोई उसमें से न खाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका पांचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे, और वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करे, वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठाए, मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझाकर कह कि इस्राएल के घराने का व इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए, जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेलबलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें भी कोई दोष न हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना, उसको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो
उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी व बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी मां के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्यवाह चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी व बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे, वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूं। और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूं। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूं।